समुद्र को लार्जेस्ट और डेडलीस्ट क्रिएचर्स का घर माना जाता है, जहाँ जाइंट शार्क और वेल से लेकर कई विशालकाय क्रिएचर्स सर्वाइव करते हैं। इसी समुंदर में जहाँ एक तरफ अपने अग्रेसिव बिहेवियर और खतरनाक शिकारी अंदाज के चलते ग्रेट व्हाइट शार्क अपना दबदबा बनाए रखती है, वहीं दूसरी तरफ आठ हाथों वाला शैतान पैसिफिक जायंट ऑक्टोपस अपनी हुकूमत चलाता है। सोचिए इन दोनों के बीच जब सीधा टकराव होगा तो समुंदर का माहौल कैसा होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुद्र के इन्हीं दो अमेजिंग क्रिएचर्स के बारे में, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इन दोनों में मुकाबला होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। चलिए सबसे पहले एक एक कर दोनों के फीचर्स के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क से। ग्रेट व्हाइट शार्क, इस प्लैनेट पर सर्वाइव करने के लिए कुदरत ने सभी जीवों को खास एबिलिटीज दी है, चाहे वो जमीन पर रहने वाले जानवर हो या समुद्र में पाए जाने वाले क्रिएचर्स। मगर आज हम आप लोगों के साथ समुद्र की दुनिया की बेताज मलिका की हैसियत रखने वाली ग्रेट व्हाइट शार्क की ताकत के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो समुद्र की गोद में दुनिया के कई अमेजिंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं, लेकिन हर किसी का रुतबा शार्क की तरह नहीं होता। यानी जंगल में जो स्वैग टाइगर का होता है, ग्रेट व्हाइट शार्क भी समुद्र में कुछ इसी अंदाज से रोमिंग करती हुई दिखाई देती है। यही वजह है कि इसे दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रेडेटरी फिश माना जाता है। पैसिफिक जायंट ऑक्टोपस, पैसिफिक जायंट ऑक्टोपस को दुनिया की लार्जेस्ट ऑक्टोपस स्पीशीज माना जाता है। ये मोस्टली पैसिफिक ओशन के कोल्ड वाटर में पाए जाते हैं। ऑक्टोपस काफी इंटेलिजेंट माने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दूसरे सी एनिमल्स की मिमिक्री भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मगर जो चीज ऑक्टोपस को सबसे भयानक बनाती है वो है इनकी आर्म्स। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी भी है और पहचान भी। साइज एंड अपीयरेंस, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ग्रेट व्हाइट शार्क अग्रेसिव नेचर की होती है, जो मरीन क्रिएचर से लेकर इंसानों पर भी हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। कई बार तो इसे स्विमर्स, सर्फर्स और डाइवर्स पर भी हमला करते हुए देखा गया है। अगर साइज की बात करें तो लंबाई में एक फीमेल शार्क मेल के मुकाबले थोड़ी बड़ी होती है। फीमेल जहां 15 से 18 फीट तक होती है, वही मेल करीब 11 से 13 फीट होती है। वही ये करीब 1.5 से 2000 किलो तक वजनी भी हो सकती है। इस शार्क का सिर भी बेहद बड़ी साइज का होता है, जिससे ये और भी ज्यादा खतरनाक दिखती है। इसकी बॉडी शेप टॉर्पीडो की तरह होती है। इसके शरीर की खास बनावट की वजह से ही ये पानी में इजीली मूव कर पाती है। इनके मुंह के भीतर सेकेंडरी रो में भी टीथ पाए जाते हैं। यानी किसी लड़ाई में अगर इनके सामने के दांत टूट भी जाते हैं तो सेकेंडरी रो के टीथ इनके काम आते हैं। अमेजिंग बात यह है कि इनके दांत कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये काफी जल्दी रिकवर कर लेती है। वहीं अगर पैसिफिक जॉइंट ऑक्टोपस की बात करें तो ये लगभग 16 फीट तक ग्रो कर सकते हैं और इनका वजन करीब 30 से 40 किलो तक हो सकता है। रेडिश पिंक कलर का ये क्रिएचर 4 से 5 सालों तक ही जी पाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेकंड के 10वें हिस्से में ये अपना रंग बदल सकते हैं और समुद्र की सतह से लगभग 300 फीट से भी नीचे रह सकते हैं। ऑक्टोपस की इस प्रजाति में फीमेल्स की साइज मेल से बड़ी होती है। इनके सभी आर्म्स में सकर्स की दो रो देखने को मिलती है, जो इन्हें शिकार करने में सबसे ज्यादा मदद करती है। इन ऑक्टोपस में एक कमाल की काबिलियत ये भी होती है कि ये बड़ी आसानी से कैमोफ्लाज कर पाते हैं। साथ ही जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये ब्लैक इंक सेक्रीट करते हैं, जो दुश्मन को भटकाने और धोखा देने के काम आती है। पैसिफिक जायंट ऑक्टोपस की एक अनोखी बात यह है कि ये अपनी बॉडी को किसी भी जगह फिट कर सकते हैं, यानी ये अच्छे खासे लचीले होते हैं। हैबिटेट्स एंड फीचर्स ऑफ क्रिएचर्स, जैसा कि इस ऑक्टोपस के नाम से ही पता चलता है कि ये पैसिफिक ओशन में रहने वाला क्रिएचर है। ये कोस्टल एरियाज में रहना पसंद करते हैं, खासकर उन समुद्री किनारों पर जहां 330 फीट डीप वाटर होता है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के वेस्टर्न कोस्ट में पैसिफिक ऑक्टोपस को देखा जा सकता है। पैसिफिक ओशन के कोल्ड वाटर में भी पैसिफिक ऑक्टोपस की मौजूदगी को नोटिस किया गया है। ये सी फ्लोर, क्रिवाइसेस, रॉकी आउटक्रॉप्स और समुद्र की तल पर मौजूद किसी भी स्ट्रक्चर को अपनी डेन बना लेते हैं, जहां ये अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए छुपते हैं। वही ग्रेट व्हाइट शार्क सभी ओशन के कोस्टल एरियाज में रहना पसंद करती है, लेकिन कभी कभी ये डीप ओशन में उस वक्त भटक जाती है जब ये करीब 3000 फीट तक की गहराई में चली जाती है। ग्रेट व्हाइट शार्क 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले पानी में रहने के लिए हैबिटुएटेड होती है, इसीलिए ज्यादातर समय ये शैलो वाटर और सरफेस पर ही टाइम स्पेंड करती है। नेचर, ये तो बात हुई इनके हैबिटेट्स की, अब बात करते हैं इन दोनों क्रिएचर्स के नेचर के बारे में।
ऐसा माना जाता है कि ग्रेट व्हाइट शार्क के सोशल बिहेवियर और नेचुरल हिस्ट्री के बारे में अब तक थोड़ी बहुत जानकारी ही हाथ लगी है, जिसके कारण जनरली इनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सपर्ट साफ तौर से नहीं बता सकते। मोटे तौर पर कहा जाए तो ग्रेट व्हाइट शार्क सॉलिटरी नेचर की होती है और अकेले ही घूमना पसंद करती है। खासकर फीडिंग एरियाज में ये और भी ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है। हालांकि बावजूद इसके कई बार शार्क की जोड़ी को देखा जा सकता है जो लंबे समय के लिए एक साथ रहती है। मेनली ऐसा मीटिंग के दौरान ही देखा जाता है। वही इस ऑक्टोपस की बात करें तो सेफलोपॉड्स ग्रुप की इस प्रजाति के पास लार्ज कॉम्प्लेक्स ब्रेन और वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एलिफेंट्स और डॉग्स की तरह ही पैसिफिक जायंट ऑक्टोपस की भी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। इसके अलावा इनमें लर्निंग एबिलिटी, टूल्स यूजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है। इनकी आंखें किसी एलियन की तरह लगती है जो आसपास की हरकतों पर नजर रखने में माहिर होती है। शार्क की तरह ही ये भी सॉलिटरी नेचर की होती है। प्राइमरीली ये नॉक्टर्नल क्रिएचर्स होते हैं और रात के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ज्यादा अग्रेशन एक्सप्रेस नहीं करते और ना ही बिना मतलब के किसी पर अटैक करते हैं, खासकर इंसानों पर तो नहीं। कई बार ये केव में अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं जब तक कि इन्हें भूख ना लगे। ये करीब एक सप्ताह तक अपनी केव में रह सकते हैं। हंटिंग स्किल्स। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज के बारे में जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शार्क एक स्मार्ट हंटर होती है जो हंटिंग के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यूज करती है। कई बार तो ये धोखे से भी शिकार करती है। मोस्टली ये सील को अपना शिकार बनाती है। साथ ही सी लायंस, डॉल्फिन्स की कुछ प्रजातियां और वेल भी इनका भोजन बन सकती है। शिकार के मामले में इनके ताकतवर दांत बेमिसाल होते हैं। यही वजह है कि ग्रेट व्हाइट शार्क के हमले को इंसानों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। इस मामले में जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस भी कम नहीं है। ये एक कार्निवोर क्रिएचर होता है जिसके लिए समुद्र में वाइड वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल होती है। क्लैम्स, क्रैब्स, फिश, स्मॉल शार्क्स, सी बर्ड्स के अलावा दूसरे छोटे ऑक्टोपसेस को भी ये अपना भोजन बना लेते हैं। इनका शिकार का तरीका भी काफी अमेजिंग होता है। ऑक्टोपस के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है उनकी आर्म्स। आर्म्स और सकर्स की मदद से ये बड़े से बड़े शिकार को भी अपने बस में कर लेते हैं। इसके अलावा इनके सलाइवा में डेंजरस टॉक्सिन पाया जाता है जिससे शिकार पैरालाइज हो जाता है। वही अपनी शार्प बीक का इस्तेमाल अपने खाने को फाड़ने और खाने के लिए करते हैं। अपने शिकार को खाने के बाद ये उनके शेल्स और बोन्स को अपने डेंस में ही छोड़ देते हैं। साइंस की दुनिया में शेल्स के इन ढेरों को ऑक्टोपस का गार्डन कहा जाता है। फाइट बिटवीन ग्रेट व्हाइट शार्क एंड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। अब आप इन दोनों क्रिएचर्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, तो आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इन दोनों में टक्कर होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो इस मुकाबले में शार्क बाजी मार जाएगी, क्योंकि शार्क साइज में बेहद बड़ी और सॉलिड होती है। ऐसे में ऑक्टोपस के लिए ये टकराव भारी पड़ सकता है। हालांकि इस लड़ाई में ऑक्टोपस को सबसे ज्यादा फायदा उसकी कैमोफ्लाज एबिलिटी के कारण मिल सकता है, जिसकी वजह से शार्क की नजरों से बच सकता है और मौका देखते ही शार्क पर हमला कर सकता है। लेकिन अग्रेसिव शार्क का सामना करना ऑक्टोपस के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है। कहा जाता है कि युद्ध सिर्फ ताकत से ही नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीता जाता है। ग्रेट व्हाइट शार्क और जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस के इस महामुकाबले में जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस ग्रेट व्हाइट शार्क को पछाड़ सकते हैं, क्योंकि शार्क के कंपैरिजन में ऑक्टोपस ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस के इमेंस ब्रेन में करीब 300 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। शार्क की आहट मिलते ही ऑक्टोपस इसे अपनी लार्ज आर्म्स की गिरफ्त में ले सकता है। साथ ही टॉक्सिक वेनम के जरिए शार्क को घायल भी कर सकता है। इस तरह अगर ऑक्टोपस शार्क को पैरालाइज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर बाजी इनके हाथ में आ सकती है। वरना इस मुकाबले में शार्क के धारदार आरीनुमा दांतों से बचना लगभग नामुमकिन है। खैर, आपको क्या लगता है इस फाइट में किसकी जीत होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, मगर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ नए और अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक आप वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए।